हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आप देख रहे हैं कि मैं राजस्थान रॉयल्स की बिल्कुल ऑफिशियल टीम जर्सी तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के कलर्स में हूँ। पीछे संजू सैमसन भी दिख रहे हो आपको आपको। और धीरे धीरे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको रॉयल्स की आर्मी भी दिखेगी, रॉयल्स के की मेंबर्स भी दिखेंगे और जिन्होंने रॉयल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिए हैं। और आगे आने वाले सीजन में आप देखेंगे और अहम खिलाड़ी वो भी जुड़ेंगे। एक खिलाड़ी है जिनका नाम बड़ा ऑक्शन के बाद चर्चा में है, काफ़ी खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं फिर नाम बनता है, लेकिन अनुनय उनका नाम जैसे ही ऑक्शन में हुआ, सबसे पहली बात तो बिहार से आईपीएल में सेलेक्ट होने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। उनकी स्टोरी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाला सर भी हैं, ज्वाला सिंह, जो कि आप सभी जानते हैं यशस्वी जायसवाल के कोच, पृथ्वी शॉ को भी कोचिंग उन्होंने कर रखी है। और हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं एक रॉयल परिवार आपके सामने, जिसके लेटेस्ट मेंबर हैं अनुनय। अनुनय बहुत बहुत स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे पहले ये बताइए, बिहार से पहले क्रिकेटर हैं आप राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में जुड़ने वाले, तो पिछले 3-4 दिन तो आप मैडनेस जिसे हम कहते हैं, लगातार इंटरव्यूज में ही बिजी रहे होंगे आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिलहाल मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था मेरे लिए, इतना कभी लाइफ में नहीं हुआ मेरे साथ। तो इस टाइम मतलब 2-3 दिन तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बट कल से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस। तो हाँ मतलब काफी अच्छा लग रहा है ये मोमेंट, जो मैंने इतने साल तक वेट किया, स्ट्रगल किया, तो सर भी कहते थे कि होगा, सही टाइम आएगा, वो होगा वो चीज, तो पेशेंस रखने वाली बात है इसमें। हाँ आई एम वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ एंड ब्लेस्ड। अच्छा अनुनय, जैसे ही अब होता है कि नया खिलाड़ी आता है तो सब कोशिश करते हैं ढूंढने की भाई वो ऐसा क्या करता है जो टीम में आया है, तो हमने भी कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन आपसे सब जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है, क्योंकि बतौर गेंदबाज आप पिक हुए और राजस्थान रॉयल्स भारतीय गेंदबाजों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, इंटरनेशनली नहीं लेकिन जो आप देखते हैं डोमेस्टिक टैलेंट जो मिलते हैं उन्हें, तो थोड़ा सा अगर आप अपनी गेंदबाजी के बारे में बताएं। हाँ जी, मैं बेसिकली इन स्विंगर रहा हूँ, शुरू से ही मेरा इन स्विंगर बॉलर रहा हूँ, बट धीरे धीरे डेवलप मैंने इसमें कुछ कुछ चीज़ें करी, जैसे वेरिएशंस इसमें मैं अपने कई सारे लेग से स्लोअर हो गया, लेग कटर, ऑफ कटर, और ये मैं डेवलप किया मैं मैचेस खेलते खेलते में, कई सारे जो मैचेस होते हैं आपके T20 होते थे और काफ़ी मैचेस होते थे। उसके बाद एक सीजन सुब्रतो बनर्जी मेरे को मिले विजय हजारे में, तो वहां से उन्होंने मेरे को नकल बॉल सिखाया, ऐसे नकल बॉल डालते हैं, तो वो एक मैं उसको मैं यूज करता हूँ बैट्समैन के अगेंस्ट, तो वहां से नकल बॉल सीखने को मिला मेरे को। देन उसके बाद स्लोअर बाउंसर वगैरह मतलब वर्क करता गया, मैं प्रोग्रेशन में लेते गया उसको कि और क्या सीख सकते हैं और क्या एडअप आप कर सकते हैं, अगर आपको बैट्समैन कंटिन्यू हिट किया जा रहा है हर बॉल पे तो आप और क्या एडअप कर सकते हैं कि आप, क्योंकि बिकॉज T20 जो गेम है वो प्रेशर वाला ही गेम है, आपको तुरंत आइडियाज लेके आने होंगे उसमें, तो अभी फिलहाल और इस पे वर्क चल रहा है मेरा इस टाइम। अच्छा अनुनय, आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो शायद दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है ज्वाला सर के मिलने से पहले तक और फिर है ज्वाला सर से जब आप मिले और उसके बाद कैसे चीजें बदली, तो पहले आप थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और ज्वाला सर तक का जो सफर है वो वहां तक अगर हम आए। जी तो बेसिकली सर जो क्रिकेट मैंने जो स्टार्ट किया वो एज अ नॉर्मल एज अ हॉबी था मेरा, क्रिकेट खेलना पहले तो सबका एज अ हॉबी होता है, मेरा भी हॉबी था। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने 10th के बाद, हाई स्कूल के बाद, 11th के बाद, अब फैमिली का भी प्रेशर होता है कि अब क्रिकेट ही खेलते रहना है कि पढ़ाई भी करना है, तो थोड़ा सा ये भी था, तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे को क्रिकेट में इसमें आगे अपना एक्सेल करना है, तो दिल्ली वगैरह गया, प्रैक्टिस किया वहाँ पे, जो भी एकेडमीज थी अच्छे, जितनी बेस्ट एकेडमीज थी वहाँ के लिए मैचेस के, लेकिन वहाँ से भी कुछ बन नहीं रहा था, प्रैक्टिस हो रही थी मैचेस हो रहे थे, धीरे धीरे करके फिर प्रैक्टिस ही कर रहा था, फिर मान्यता मिलने वाली थी बिहार को। सो मेरे एक CA एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पटना, तो वहाँ पे मेरे एक चाचा हैं वो कोच हैं, तो वो बी को ड्यूरिंग 19 मेरे को बुलाया कि ट्रायल दो और अपना जो भी है करो दे रहो क्या, तो वो होता, बट फिर क्या होता था कि फिर उस टाइम प्रॉपर मान्यता नहीं थी उसको बिहार को, तो मैं फिर डिसअपॉइंट बीच में बिल्कुल, मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था,
बट स्टिल मैं पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं होप था कि मैं कर रहा हूँ तो पीछे कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो फिर उसके बाद फाइनली 2018-19 में मान्यता मिली, मैं फर्स्ट खेला, अच्छा था, कंडीशनिंग कैंप गया था बहुत अच्छी, जाने के बाद फिर सेलेक्ट हुआ। तो पहले तो थैंक्स देना चाहूंगा, एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, ट्रैक दिया, और जो सेलेक्टर जो भी वहां पे थे। उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी से उसी सीजन, उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ इशू हुए मेरे को, जिसकी वजह से थोड़ा मैं अंदर बाहर टीम से भी हुआ। बट फिर से मैंने उसके बाद जब कोविड आ गया, पहले तक मैं खेल रहा था पीआर के लिए, फिर कोविड आ टाइम पे बहुत सारी चीजें हैम्पर हुई, क्रिकेट आपका बंद हो गया, आपके प्रैक्टिसेस बंद हो गए, और अपॉर्चुनिटीज जो है वो धीरे धीरे मतलब स्लो डाउन होने लग गई। तो घर पे ही था मैं, गोरखपुर में था। और ज्वाला सिंह से मतलब सर से जो है इनसे, और पापा की मेरी चली ये बात पापा से हुई, और वही जो बताया सर ने मतलब घर पे आए हुए, एंड तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई सर से। उसके बाद फिर ड्यूरिंग कोविड, कोविड के उसमें सर आए हुए गोरखपुर, और जायसवाल भी थे उनके प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने, सर ने मेरे को बुलाया, पापा ने मेरी मतलब बात कर रखी थी इनसे कि है और क्रिकेट खेलता है तो उसको देखने के लिए। तो सर ने मेरे को रेलवे ग्राउंड पे, और एक मैच स्टिमुलेशन टाइप का था जिसमें यश भी बैटिंग कर रहा था, वहां पर उन्होंने, उसके बाद फिर बिल्कुल वो एक टर्निंग ही पॉइंट था इनका मेरे लाइफ में आना, एक टर्निंग पॉइंट था। वहां धीरे धीरे चेंज हुआ, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आने लग गया कि हाँ अब आई एम ऑन राइट राइट पाथ, बिकॉज सर जो है पूरा मुंबई की नॉलेज है, मुंबई क्रिकेट का पूरा नॉलेज है, कैसे क्या होता है वहाँ पे, कैसे प्लेयर्स हैं, आपको डेवलप करते आते हैं अपने आप को, कैसे कैसे प्रैक्टिस, वो मैं इन पे बात करते करते नॉलेज ले रहा था। बाद बिहार में सिलेक्शन था, विजय हजारे का सिलेक्शन चल रहा था, फिर रणजी ट्रॉफी तो हुआ नहीं, तो विजय हजारे सिलेक्शन चल रहा था, फिर आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है वो हुआ। तो इस सीजन जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ है, मेरे को बीसीए ने फिर से मौका दिया, तो मैं मुश्ताक अली भी खेला, मैं विजय हजारे में भी गया टीम के साथ। अब प्लेइंग वो हम लोग के हाथ में नहीं हो, मैनेजमेंट के हाथ में होता है प्लेइंग कराना नहीं कराना। मैं मुश्ताक अली के मैचेस खेला, एंड उसके बाद फिर ये सब खत्म होने के बाद ट्रायल्स होने थे, तो सर ने ही मेरा नाम रिकमेंड किया राजस्थान रॉयल्स को, जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने ही रिकमेंड किया, जो मैनेजमेंट हो गया उनको रिकमेंड किया। फिर मेरे को कॉल आया कि आप इस स्पेसिफिक डेट पे आप फ्री हो ट्रायल देने के लिए, तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं हूँ फ्री। देन मैं ट्रायल देने के लिए गया, अपना बेस्ट जो मेरे पास था वो मैंने दिया, और जो भी टिप्स उस बिटवीन कोविड के बीच में जो भी टिप्स सर ने मेरे को दिए थे, मेंटली भी और जो फिजिकली जो वो उन्होंने दिया था, वो सब सारा कुछ मैंने उसमें, कि डिसअपॉइंट ना करूं, बिकॉज इतने मेहनत से यहाँ तक आया था, उसके बाद इतना ट्रस्ट सर ने मेरे पर रखा था, बिकॉज एक ट्रस्ट ही एक चीज है जो आप पूरे लॉन्ग टाइम तक आप लेके जा सकते हो। बिकॉज अगर सर ने मेरे को ये ड्यूटी दी है कि एक रिकमेंड किया मेरा नाम, तो मेरे को अच्छा करना है, अपना 100% देना है, इम्प्रेस करना है उन्हें, बिल्कुल सबको इम्प्रेस करना है। तो मैं अपना बेस्ट देने के लिए गया था, एंड उसके बाद एट टाइम वहां पे जब ट्रायल हुआ, वहां पे बिल्कुल नया था मेरे लिए, सब कुछ नया था, बट मैं प्रेशर नहीं ले रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन है मेरे को उसी में डालना है। एक चीज मैं ये कहूंगा कि सामने अगर बैट्समैन है कोई, अगर अच्छा बैट्समैन खेल रहा है, तो कुछ बॉलर्स क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा घबरा इसलिए जाते हैं कि वो देखते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन खेल रहा है, मेरे को कहीं मार ना दे या कुछ हिट ना कर दे, थोड़ा सा वो प्रेशर फील करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बैट्समैन का नाम नहीं देखता हूँ, बस एक दो बॉल में उसका वीकनेस मैं तुरंत जज कर लेता हूँ कि क्या है इसका वीकनेस, देन उसके बाद उस हिसाब से फिर मैं उसको डील करता हूँ। तो ये सब चीजें हैं, तो ये है ग्राफ चेंज हुआ यहाँ से उसके बाद, सर के आने के बाद। सर जैसे ही जहां पर खत्म किया ना उन्होंने अनुनय ने, वहां से जी एक चीज तो साफ हो गई कि ये जो है, ये जो ज्वाला सर की जो बुक होती है कोचिंग की, वहां से ये शब्द आ रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है यशस्वी के रिलेटेड जब बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि मैं यशस्वी को बोलता हूँ कि बॉलर को नहीं देखना है, बस बॉल देखनी है और उस पर रिस्पॉन्ड करना है, वो करना है। तो कभी भी रेपुटेशन नहीं देखनी, कुछ ऐसी चीजें नहीं देखनी, सेम अनुनय बतौर गेंदबाज बता रहे हैं। तो आपने सर कैसा, एक ऐसा क्या आइडेंटिफाई हुआ या क्या दिखा आप में अनुनय में, जो आपको यहां तक ले गया कि भाई आपने रिकमेंड किया? क्योंकि
उस लेवल पर एक रिकमेंडेशन भी बहुत मैटर करती है, बहुत मायने करती है, क्योंकि ट्रायल्स भी हर कोई नहीं दे पाता है। राइट, मैं हमेशा से बात करता हूँ, मुझे ना स्किल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है प्लेयर्स के, क्योंकि मुझे पता है कि स्किल बहुत लोगों के पास है। जो लोग स्किल को राइट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन वही हैंडल कर पाएगा ना, जो मेंटली अच्छा होगा और जिसने लाइफ में ना अप एंड डाउन देखा होगा। तो जो अनुनय की स्टोरी है, जो मुझे बताता था फोन पे भी, तो और उसके बाद भी ये मेहनत कर रहा था, मैं इसको फॉलो करता था, इसके वीडियोस वगैरह देखता था, तो मुझे लगता था ये लड़के के अंदर कुछ फायर है, और अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये बेहतर तरीके से ना उसको डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि कुछ प्लेयर जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो घबरा से जाते हैं, वो उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते। बट कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो थोड़े कम भी होते हैं, लाइक यू कैन से प्रवीण तांबे, वन ऑफ द एग्जाम्पल। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है प्रवीण, वो 42 ईयर्स के एज में ना वो आईपीएल डेब्यू किया। तो दैट वाज द एटीट्यूड, बहुत सारे लोग लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फायर था, इसके वजह से वो इस एज में भी कर पाया। तो मुझे अनुनय में वो दिखा कि ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ। और मुझे पता नहीं, एक है जब मैं देखता हूँ कि कोई अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत जेन्यून काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वट एवर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम माई साइड, आई शुड गिव। तो मुझे लगा कि ये लड़का है जो कुछ करना चाहता है, और लेट लेट मी ट्राई, मुझे भी एक ट्राई करना था कि इसको मैं भेज के देखता हूँ कि क्या होता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू राजस्थान रॉयल्स की उसको ट्रायल के लिए मेरे बोलने पे बुलाया, और उससे भी ज्यादा दिया उसको, सिलेक्ट किया। सो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स की जो शुरू से रेपुटेशन है कि वो अननोन टैलेंट्स होते हैं, जो इंडिया के आईपीएल का जो थीम है कि हमको लोकल अननोन टैलेंट्स को बढ़ावा देना है, तो वो टैग जो है राजस्थान रॉयल्स ने हमेशा करके दिखाया है। एंड आई एम श्योर कि अनुने जब आए जाएगा और वहां पे अच्छा नेट में बॉल डालेगा एंड ही विल गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले, तो वो भी वहां पे भी प्रूव करेगा। आपने सर बताया कि राजस्थान जो अननोन टैलेंट्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई भी करते, तो उनका एक अननोन टैलेंट सबसे बड़ा चीयर लीडर मैं हूँ, तो मेरा नाम भी उनको रेकमेंड कर दीजिएगा कि भाई ये एक और लड़का है जो आपकी टीम को बड़ा सपोर्ट करता है। और उसके आगे जोड़ूंगा, ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने पूरा बताया भी, लेकिन अनुनय का केस ऐसा है कि जो हम डिस्कस भी करते हैं कि भाई एज ग्रुप क्रिकेट भी नहीं खेली, स्टेट में भी उतना ज़्यादा नहीं खेले हैं, बिहार के हमने ऑलरेडी हम जानते हैं कितने प्रॉब्लम्स थे कि वो जो मान्यता मिलने में इतना लंबा वक्त लगा, तो ये अपने आप में एक मिसाल है कहानी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि एज ग्रुप खेलना है, ज़रूरी नहीं है कि यंग आप कहीं पर आइडेंटिफाई हो तो ही कुछ कर सकते हैं। तो इस पर कैसे देखते हैं आप बतौर कोच? टू बी वेरी फ्रेंक विथ यू, मुझे लगता है ना इंडिया में ना एज ग्रुप क्रिकेट को कुछ ज्यादा ही हाइप मिलता है। आई एम वेरी वेरी फ्रेंक विथ माई ओपिनियंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्लेयर्स क्रिकेट देखना ही शुरू करते हैं 13-14 साल के बाद, और फिर बाद में जब उनको लगता है कि यार अंडर 19 क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लड़के वही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत सारे लड़के रॉन्ग चीजें करते हैं, व्हाट द मीन ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। सो मुझे लगता है कि एज ग्रुप क्रिकेट जो होता है ना, एक बहुत स्मॉल चीज है, बहुत स्मॉल स्पेस है, बट असली जो क्रिकेट होता है ना, वो अंडर 19 के बाद शुरू होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 17-18 साल के बाद जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि दैट इज द एज जहाँ पे आप फिजिकली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो, थोड़ा सा मेंटली आपको समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा अनुनय का केस ऐसा है कि इसने एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेला, बट अगर ये बैट्समैन होता, तो शायद इतना इजी नहीं होता है आगे आना। क्योंकि बैटिंग में क्या होता है, अगर आप हर स्टेट का रेपुटेशन उठा के देखोगे, तो जो अंडर 19 और 23 के लड़के होते हैं, उनको ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे स्टेट का क्लब क्रिकेट का कोई कल्चर ही नहीं है, लाइक अगर आप बड़े स्टेट्स देखो, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट इतना रेगुलरली नहीं होते हैं, और तो फिर जो एज ग्रुप टूर्नामेंट में बच्चे खेलते हैं, उसी में से लड़के सीनियर्स में जाते हैं। बट फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा एक बार अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है ना जो दिखती है, कि अगर कोई फास्ट बॉलर जोर से डाल रहा है और विकेट कीपर के ग्लव्स को बॉल हिट कर रहा है, तो लोग देख के भी समझ जाते हैं कि यस, दिस बॉय इज हैविंग द कैपेसिटी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन बैट्समैन एंड फास्ट बॉलर्स। बट या अनुने की स्टोरी इसलिए भी थोड़ी अच्छी है कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं,
और दे फील डिसअपॉइंटेड कि यार मेरा 19 खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा। तो ये एक स्टोरी है। एंड सेकेंडरी, जैसे मेरे पास बहुत सारे लड़के मुंबई आते हैं कि हमको मुंबई से खेलना है, तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि मुंबई में आप क्रिकेट सीखने की कोशिश करो, यहाँ के क्रिकेट कल्चर को समझो कि कैसे सीखते हैं, गो टू योर स्टेट एंड प्ले। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंबई से खेलोगे तो ही आगे जाओगे। ओके, तो अनुनय इज वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल कि भाई कोई बिहार को भी मान्यता मिल के 2 या 3 साल हुई है समबडी पिक फॉर द आईपीएल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से खेलोगे तो ही आप आगे जाओगे। आप अगर कहीं से भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो और अपने टैलेंट को दिखा सकते हो, तो देयर विल बी समवन, कोई ना कोई आएगा आपको हेल्प करने के लिए, बट जस्ट कीप डूइंग इट। आप पर आते हैं, और जिस तरीके से ये भी है कि भाई अब आप रॉयल्स का कैंप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है खिलाड़ियों को ना काफी अलग अलग प्लेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो बीइंग अ फास्ट बॉलर आपको कहीं पर शमी मिलेंगे, कहीं पर बुमराह मिलेंगे, आपके खुद के कैंप में ट्रेंट बोल्ट हैं। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप किन से मिलने में और किन से आप कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे? सीखना तो ऑब्वियसली आप हर किसी से चाहेंगे, बट एक खिलाड़ी का एक हमेशा रहता है कि यार ये प्लेयर से मुझे मिलना है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है। हाँ जी, पहले तो मैं थैंकफुल रहूंगा राजस्थान रॉयल्स के लिए कि मेरे पे फेथ रखा, मेरे को चांस दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक्स मैनेजमेंट को, कुमार संगकारा सर को, जुबिन सर को, रुमी सर को, एवरीवन। तो अब मेरा अगला एम जो यही रहेगा टीम के साथ जाने का, और उसमें सबसे सीखना है मेरे को एवरीवन, और जितना मैं इसमें और अपने आप को इनहेंस कर सकूं, जितना इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन एक प्लेयर का अगर आप मैं नाम लूं तो वो होंगे जसप्रीत बुमराह, बिकॉज उनसे मेरे को पर्सनली मिलना है और यॉर्कर्स में ही मेरे को और मतलब और अच्छा करना है। यॉर्कर मेरे को और अपना अच्छा करना चाह रहा हूँ और स्लोअर वन भी और अच्छा करना चाह रहा हूँ। तो एक वो है और प्रशित कृष्णा है, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नवदीप सैनी है और टीम में ट्रेंट बोल्ट है, तो इन लोग से भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे को। तो मैं बिल्कुल सीख के उसपे ग्रैब करूंगा उस चीज को, ग्रैब करके उसके बाद जो मैं अपने स्टेट में अगर वापस जाऊंगा तो जरूर अपने जूनियर के साथ उसको शेयर करूंगा एक्सपीरियंस को। अच्छा, जैसे अभी आपने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया और उनसे आपने बोला कि सीखने की इच्छा है, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी कर रहे होंगे रोहित शर्मा, और आपको मौका मिल चुका है रोहित शर्मा के अगेंस्ट गेंदबाजी करने का 2018-19 सीजन में। आपके जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी वो क्लिप है, तो कुछ उस मोमेंट को रिलीव करना चाहेंगे कि कैसा था, और अब जब मिलेंगे और होपफुली आप अच्छा करें। मुंबई इंडियंस के फैंस तो नहीं चाहेंगे, बट मैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से, तो मैं चाहूंगा कि आप रोहित शर्मा के विकेट भी लें और मैच के बाद उनको याद दिलाएं कि भाई हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी। जी जरूर। एक तो पहले तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात थी उस टाइम की, फर्स्ट एवर वो था क्वालिफाई हम लोग के लिए, वो क्वार्टर फाइनल्स, तो बहुत बड़ी बात। फर्स्ट आप एफिलिएशन मिलने के बाद पहले ही सीजन आप क्वार्टर फाइनल विजय जा रहे खेल रहे हो, वो भी इतने बड़े टीम के अगेंस्ट, मुंबई के अगेंस्ट। इसमें आपके श्रेयस अय्यर हैं, रोहित शर्मा हैं, धवल कुलकर्णी हैं, सब इंडिया प्लेयर्स उसमें आधे ज्यादा भरे हुए हैं। तो एक तो देख के ही आपको थोड़ा सा वो होता है, बट मेरे जो कोच थे उस टाइम उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी ग्राउंड में जाने टाइम कि देख अगर तू ये सोच के जाएगा अंदर की सामने रोहित शर्मा ओपन आ रहा है तो वो तेरे को बहुत मारेगा, ठीक है, बट ये सोच के मत जाना, बिल्कुल ये सोचना कि वो भी कंपटीटर है, तू भी कंपटीटर है, तू अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल ये सोच के बॉल डाल। तो मैंने वही सोच के बॉल डाला और वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत यूजफुल हुआ उस टाइम। और अगर सही में अगर मैं ये सोचता कि सामने रोहित शर्मा खड़ा है, मैं उसको बॉल डालने जा रहा हूँ, तो फिर बॉल वहां नहीं डाल, मैं डालना चाह रहा था। तो और अब जरूर अगर जब उनसे मैं मिलूंगा आईपीएल में आमने सामने, तो जरूर मैं ये चीज तो उनसे बोलूंगा कि मैं आपको एक बार बॉल डाल चुका हूँ ड्यूरिंग विजय हजारे। अब उन्हें तो याद बिल्कुल नहीं होगा, बट मैं बिल्कुल उनको याद ये चीज बोलूंगा। कोई ऐसी हर एक गेंदबाज के लिए रहती है कि भाई एक प्राइस स्कैल्प होता है कि यार इसका विकेट मेरे लिए एक ड्रीम विकेट है। क्योंकि बीते दिनों को हमने चेतन से बात करी तो उन्होंने MS धोनी का विकेट बहुत सबसे ऊपर रखते हो, आपके लिए कोई ऐसा है? क्योंकि बड़े बड़े नाम सारे वहां पर खेल रहे होंगे। जी एक तो जैसे जब विजयदार में मैं उनके अगेंस्ट खेला हूं तो बहुत क्लोज था विकेट के, बिकॉज कई सारे बॉल इनसाइड एज लग रहे थे और वो जा नहीं रहे थे, जो मैं चाह रहा था वो हो नहीं रहा था। तो एक तो रोहित शर्मा का विकेट मैं ड्रीम विकेट होगा मेरे लिए, और एक विराट कोहली का, ये दोनों विकेट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ड्रीम विकेट होंगे।
अच्छा ज्वाला सर, आपके स्टूडेंट्स में एक और चीज़ जो देखी है वो है फेयरलेसनेस। तो क्योंकि आपने बताया और ऑब्वियसली मुंबई क्रिकेट के कल्चर की आपने बात करी, अनुनय गोरखपुर से, सिमिलरली यशस्वी भी एक छोटी जगह से आते हैं आगे, तो उस एस्पेक्ट पर आप कैसे काम करते हो और वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे आप जोर भी देते हो यार कि स्किल सेट ही सब कुछ नहीं है, जैसे ये भी अभी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ओकेजन का या बड़ी स्टेज का किसी भी तरीके का डर नहीं है। देखिए, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, आपको उसको स्पोर्ट्स की तरह देखना है। एक बॉलर के हाथ में बॉल होता है और वो किसी को भी आउट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन है ना, बॉलर से आउट नहीं होता है, अपने ओन थिंकिंग से आउट होता है। वो अपने मन में बहुत सारे थॉट्स लेके चलाते रहता है और वो आउट हो जाता है। तो बॉलर को उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी एंड लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, यू नो। तो मैं तो हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ क्रिकेट एक स्पोर्ट है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिकेट इज माय लाइफ एंड ऑल, मैं बोलता हूँ गेम को अगर आप गेम की तरह खेलोगे तभी आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे। सो द की इज टू टेक क्रिकेट एज अ गेम। और अगर जैसे अभी अनुने ने बताया वो जो इंसिडेंस था, तो मैं उसमें बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई मैच में जा रहे हो और आप उस मैच में बैटिंग या बॉलिंग कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उस मैच के स्टैंडर्ड के प्लेयर हो। आपको प्रूव नहीं करना है कि मैं कोई नई जगह पे जा रहा हूँ। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे होते नहीं, तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है। तो आपको बिल्कुल ये डाउट बिल्कुल नहीं लाना है कि बॉस मेरे लिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है। डोंट थिंक दैट। आप क्रिकेट है ना, बहुत पहले से खेलते आ रहे हो, और ये एक अलग, ये बस एक दूसरा मैच है। और जो एफर्ट है वो तो आपने जो प्रैक्टिस करके, आपके आपके अंदर जो स्किल लेके आप आगे हो, या जो एफर्ट लेवल है वो तो हमेशा बढ़ाते रहना है, यू नो। तो दिस इज द सिम वेरी वेरी आई ऑलवेज कीप द थिंग्स वेरी वेरी सिंपल कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे कुछ बेटर करने का, दैट्स इट। चाहे वो आईपीएल का मैच हो, या इंडिया का मैच हो, या कोई भी मैच हो, आप क्रिकेट बचपन से खेलते आए हो, आप खाली अपग्रेड होते जा रहे हो। और आप अपग्रेड इसीलिए हुए हो बिकॉज यू हैव क्रॉस दोज लिमिट्स जो बाकी लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आपने क्रॉस किया, इसलिए आप यू नो लाइन के इस तरफ खड़े हो। तो इफ यू आर देयर इन दैट वे, आप लाइन के उस तरफ खड़े हो, तो यू कैन डू एनीथिंग। आपको उसमें कुछ अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बड़े स्टेज में जाते हो, तो ऑफकोर्स आपसे थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स मिलेंगे, तो आप उनको ही आउट करके अपना नाम बड़ा कर सकते हो। तो अगर आपको, मैं हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कोई भी यू नो कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, उसी को टारगेट करना चाहिए। अगर आपने उसको आउट कर दिया है, आपने उसको प्रेशर में ला दिया, तो आप उस मैच के अपने आप बेस्ट प्लेयर बन जाओगे। अनुनय, आप अभी सुन भी रहे थे सर को, तो जी ऑक्शन का दिन किस तरीके का था आपके लिए? क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट में जब एक्सेलरेटेड चल रहा होता है ऑक्शन, तो उसमें एक डर भी रहता है कि नाम स्किप ना हो जाए, नाम आएगा नहीं आएगा। तो घर पर क्या माहौल था, फैमिली के साथ देख रहे थे, कैसे आप तक खबर पहुंची थी? एक्चुअली मैं उस टाइम पटना में था, तो पहले तो मेरे को पता था कि बहुत पीछे है नंबर, लाइक 564 पे है। तो फर्स्ट डे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कम। तो मैं अपना फर्स्ट डे वाज वेरी चिल, प्रैक्टिस एक्टिस करके आया अपना नॉर्मली। सब लोगों ने फोन भी, बहुत सारे मिस कॉल थे, अरे तेरा आया नहीं, तेरा आया नहीं। मैंने कहा अरे बहुत पीछे है, बहुत टाइम टाइम लगेगा, सेट है, 60th सेट में है, बहुत टाइम लगेगा अभी। तो सब यही होप कर रहे थे कल तो आ जाएगा ना। मैंने कहा हाँ हाँ अनाउंस होगा। तो उसके बाद लोगों के सवाल भी हो रहे थे कि ले लेंगे ना भाई। तो मैंने बोला कि अरे हैव पेशेंस यार, वो उनके ऊपर डिपेंड है, मैं कहाँ से बता दूं ये चीज। तो फिर अगले दिन, फिर जब 13th को मैंने थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया, बट थोड़ा सा मेरे को अजीब इसलिए लग रहा था बिकॉज बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे थे। तो फिर मैंने देखना बंद कर दिया। तो मेरे को लग रहा था जब वो नहीं बिक रहे हैं तो फिर मेरे को कहाँ चलेंगे कोई। तो बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे मैं आपको सबको पता है बहुत बड़े बड़े नाम लोग अनसोल्ड हुए हैं। तो मैंने देखना बंद कर दिया, थोड़ा सा मेरे को एंगजाइटी हो रहा था कि अरे यार वो लोग तो हो नहीं रहे, मैं कहाँ से हो जाऊंगा, तो ये दिमाग में चल रहा था। तो उसके बाद घर वाले भी थोड़ा सा फोन फोन पे फोन कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, तब से बैठे हुए अभी तक आया नहीं। तो फिर मैंने फाइनली एक लिस्ट बार में चेक किया, जो एक पूरा लिस्ट होता है, पूरा जो 600 लोग का जो लिस्ट था वो मैंने देखा। तो फिर मैंने नाम देखा कि चारू शर्मा सर जो थे, जो अनाउंस कर रहे थे, तो इस नाम पे थे। देन जब आफ्टर 2-3 बजे के बाद, हाँ 3 बजे के बाद जब एक्सिलरेटेड लिस्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद वो बहुत तेजी से जा रहे थे। देन उसके बाद अचानक से वो आए 500 पे। तो मैंने घर पे फोन कर दिया अम्मा को कि अब 500 हो गया है, अब आप
ऑन कर लूँ टीवी। अब आप और वो कह रही कि हाँ ऑन है, हम लोग देख रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। तो मैंने कहा आने वाला है, 500 हो गया है, अब आने वाला है। तो उसके बाद जैसे के बाद आया 530, 34 ऐसे 50 आया। एंड देन अचानक दो तीन चार के बाद लास्ट नेम मेरा था एक्सीलेटर लिस्ट में, अनुनय सिंह। तो वो आया एंड इस फोन में मैं देख रहा था, और दूसरे फोन से मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था कि अगर जो भी होता है, वॉट एवर द रिजल्ट इज, होता है नहीं होता है, वो मेरे हाथ में तो था नहीं, बट मैं एक्चुअली उसको कैप्चर करना चाह रहा था। तो क्या होता है कि कुछ मोमेंट होता है कि आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, वो ऊपर से आप होता है, सेट लिख के आता है ऊपर से कि ये होना है तो होना है। तो मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला तो फोन आने स्टार्ट हो गया, तो वो वहीं पे रुक गया, नेट वहीं बंद हो गया, वहीं सब कुछ रुक गया, मेरा ये फोन से रिकॉर्डिंग भी होना रुक हो गया, कंटिन्यूअस कॉल पे कॉल आने स्टार्ट हो गया फोन पे, उसके बाद मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे। तो मैं उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया, और बाद में देखा मैंने कि कैसे कैसे क्या हुआ था, देन मैं समझ गया कि ओके, सो मैं सोल्ड हो गया हूँ फाइनली के लिए। सर, जैसे कि आप लगातार एक चीज़ ये भी कहते हो कि भाई काफ़ी बार ही होता है कि जब ओकेजन या फिर एक कोई स्टेज मिल जाता है, उसके बाद भी थोड़ा सा खिलाड़ी हो जाते हैं कि इधर उधर हो जाते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट फेज आप मानते हैं उन्होंने की लाइफ में अब है, जब वो जिसे कहते हैं ना कि चकाचौंध देखेंगे आईपीएल की दुनिया, हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट, पैसा, पे चेक जो होता है, यहाँ पर कितना ज़रूरी होता है खिलाड़ी को खुद को हैंडल करना? ये शायद बिल्कुल मुझे सर, लगता इसके है। पीछे भी अच्छा या आपको देना, सॉरी। क्वेश्चन इज फॉर अन्य ओ मी। आपके लिए सर, आवाज नहीं ज्वाला आ सर, रही। आपके लिए। अच्छा देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई प्लेयर थोड़ा रफ बैकग्राउंड से आते हैं, जो थोड़ा सा फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं उनको उन्होंने, क्योंकि आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, प्लेयर वैसे ही रहता है, प्लेयर कभी भी चेंज नहीं होता है, बट उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि वहाँ पे वो कैसे अपने आप को उतना मोटिवेटेड रख पाता है और कैसे अपने अपने आप को जस्टिफाई करता है। और मैं बोलता हूँ बार बार कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी यही है कि आपके लाइफ में आसपास क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके एज अ प्लेयर आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रहा था और मुझे ये चीज़ कितना लंबा करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज तो होता ही है, बट डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है। जो लोग हैंडल कर लेते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, और जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लेट्स सी, आई मीन अनुनय को भी मैं ये सब सिखाऊंगा। अब उसके ऊपर भी है कि वो कैसे इस चीज को आगे जाके अपने आप को चार्ज रखता है और उसको आगे लेके जाता है। अच्छा, उन्होंने जैसे हम बात कर रहे थे पे चेक की, तो हमेशा ही होता है कि जैसे हमारे भी ज़िंदगी में रहा कि भाई पहली सैलरी या पहली कोई अर्निंग, उससे हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे क्लोज वंस होते हैं, फैमिली, हर किसी का हिस्सा रहता है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम जो खास उनकी चीज़ होती है या फिर हम देना चाहते हैं। आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है? जो फर्स्ट जो भी आएगा, तो एक होता ना कि आप कहीं माने हुए रहते हो, कुछ ना कुछ आपके कुछ होते हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हो, किसी मंदिर में हो गया, कहीं पे भी हो गया। तो सबसे पहले तो मैं वहां जाके उसको चढ़ाना चाहूंगा, बिल्कुल। एंड देन उसके बाद फिर आगे, मतलब पेरेंट्स है या पेरेंट्स जो भी गिफ्ट्स है, अब वो तो मना ही करेंगे ऑब्वियसली, वो तो बोलेंगे अरे नहीं, वो तो वैसे ही तो बोलेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहला मैं एक मंदिर में जाके, जहाँ मैंने माना है, उसको पहले मैं चढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर अपने पे जो भी है चीज़ें, फिटनेस से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें हैं, उस पे मैं करना चाहूँगा। कुछ आपने मांगा था और कब मांगा था, कितनी जल्दी आपकी सुनी गई, थोड़ा सा इस पर भी सुन लें। वो अब जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो टाइम लगा इस चीज़ में, बट था भरोसा था उन पे कि ठीक है, ओके होगा, बट वो हुआ फाइनली। चलिए, तो यही है उम्मीद की भाई आगे जो है और ज्यादा आपको
कामयाबियां भी मिलती रहें। और जब ये एक फेज था, जैसे हम बात कर रहे थे कि बिहार को मान्यता भी नहीं मिल रही थी उस टाइम, एक फ्रस्ट्रेटिंग फेज था वो, क्योंकि वो आपका शायद कहते ना कि तब यूथ आप बिल्कुल कहते कि पम्प्ड अप और एड्रेनलिन रश, ये तमाम चीजें रहती है, डिसीजन भी उसमें आप जल्दबाजी में लेते हो। उस टाइम पर लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन वाला दौर, MS धोनी मूवी का सीन याद आता है, सर हम कर क्या रहे हैं, तो हम क्रिकेटर लेकिन यहाँ पर एक टिकट कलेक्टर का काम करें, तो वो ऐसा फेस था जिसमें थोड़ा सा रोका या हडल बना बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल, एक फेज ऐसा आया था कि जब मैं पीक पे था, बिल्कुल मतलब अच्छा खासा अभी भी हूँ, उस टाइम भी था, उस टाइम मेरे को क्रिकेट नहीं मिल रहा था। एक एक होता है कि जब आप किसी चीज के लिए डेस्परेटली भाग रहे हो, आपसे और दूर चली जाती है वो, फिर और दूर जाने लगती है। तो क्या हुआ कि एक मोमेंट पे ऐसा आया कि मैं सर से बात कर रहा था फोन पे और मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मैंने बोला कि सर मैं यहाँ से NOC लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया कि सर हो गया सर यहाँ का, मेरा अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ से NOC लेना चाहता हूँ, दे आर नॉट गिविंग मी चांस। सो उसके बाद सर ने बोला कि तुम एटलीस्ट वहाँ से युवा खेले हुए हो, स्टेट खेले हुए हो, हर साल तुम प्रोबेबल्स में रहते हो, कंटिन्यूस हो, एटलीस्ट हो वहाँ पे, तो ही सजेस्टेड दैट कि छोड़ो मत स्टेट को, बिकॉज वही है जो अभी तुम्हें रिकॉग्निशन दे रही है इस वक्त, और आगे किसी को पता है नहीं। तो हाँ, ये हुआ मेरे साथ एक टाइम पे कि बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया था कि हो ही नहीं रहा है, चीजें हो ही नहीं रही थी सही। तो सोचा था मैंने कि आई शुड स्वाइप द स्टेट, तो थैंक्स टू सर कि उन्होंने मेरे को रोका, अगर वो नहीं रोका होता तो फिर मैं शायद ही अभी इधर IPL में होता। अच्छा ज्वाला सर, आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपने क्रिकेट देखी भी है, और आज जब हम बात कर रहे हैं अनुनय से, बिहार के लिए इतना बड़ा लम्हा है कि भाई IPL में वो खेलने वाले हैं, लेकिन आज ही रणजी ट्रॉफी भी स्टार्ट हुई है, वहाँ अनुनय का स्क्वाड में उस तरीके की कुछ हम देख रहे हैं कि भागीदारी नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप हमेशा बिल्कुल खुलकर अपने शब्द रखते हैं, कभी आप हिचकिचाते नहीं है चाहे जो भी बात रखनी हो। देखिए प्रोसेस आपके हाथ में है, प्रोसेस आपके हाथ में है, आप वही क्रिकेट खेल रहे हो, आप कल भी वही खेल रहे थे, आज भी वही खेल रहे हो और आगे भी वही खेलोगे, खाली अपग्रेड होते जाओगे। सिलेक्ट होना या प्लेइंग 11 में खेलना या फिर बॉलर के लिए कौन से ओवर में बॉलिंग डालना, ये उसके हाथ में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है जो डिसीजन मेकर है। तो डिसीजन मेकर आर ऑलवेज बॉस इज ऑलवेज बॉस और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जब लगेगा कि अनुने इज गुड इनफ to represent the state, of course state जो भी, अभी मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी आज इसका IPL में जो ऑक्शन में भी नाम गया है, अगर बिहार ने इसको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया होता विजय हजारे खेलने का या मुश्ताक अली खेलने का, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ही एंड वी बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी विद द एसोसिएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोच और मैनेजमेंट को लगता है कि शायद ये मैच में ये सेट लेके खेलना चाहिए, दे कैन डू बेटर, तो somebody else is playing, उनको लगेगा कि नहीं अभी ये सेट में अनुनय आना चाहिए, तो वो बुला लेंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस, अभी जस्ट ये 28 ईयर्स का है, अभी इसको एटलीस्ट 7-8 साल अच्छे कम से कम क्रिकेट खेलना है, तो अप एंड डाउन तो आएंगे, कभी आपको कॉल किया जाएगा, कभी आपको रिजेक्ट किया जाएगा, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट हमें एज अ प्लेयर हर चीज को पॉजिटिवली में लेना है कि जब नेक्स्ट मैच में डेब्यू, जब भी कोई नेक्स्ट मैच मिलेगा तो I will do my best और ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करूं कि ये दिन फिर दोबारा नहीं देखना पड़े। और सर जैसे गेम भी इवॉल्व होता है, कोचिंग भी हम हमेशा बात करते हैं कि कोचिंग में भी मेथड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट नए आते हैं, तो जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि माइंड बॉडी क्रिकेट, इसका क्या कुछ नई एक चीज है, क्योंकि इसके जरिए जैसे आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो काफी जो क्रिकेटर्स हैं, जो जैसे आप बात करते हैं कि अनुने बार बार कहते हैं कि मुंबई आना है, मुंबई आना है, बट ये मेथड और जो नई आप चीज लेकर आए उससे मैंने सुना है कि काफी फायदा हो सकता है और ऑनलाइन भी उसमें ऑप्शंस हैं। सी माइंड बॉडी क्रिकेट मुझे याद आया जब ये कोविड का टाइम चल रहा था और मैं जिससे बात करता था कोई सही मूड में नहीं होता था, सब उल्टी बातें करते थे, तो मैं सोचता था लोगों का बिहेवियर कितना चेंज होते जा रहा है, जो सक्सेसफुल है वो भी परेशान है, जो नहीं सक्सेसफुल है वो भी परेशान है, तो मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो मुझे लगा कि यार सब लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अलग क्या है, अलग अलग लेवल पे क्या अंतर होता है, तो ऑफकोर्स स्किल का अंतर होता है, फिटनेस का अंतर होता है, लेकिन बेसिकली अगर कोई भी चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचते कैसे हो, हाउ यू आर थिंकिंग, और
सक्सेसफुल होने के लिए या यू नो लेजेंड बनने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आता है? तो कंसिस्टेंसी आपके डेली हैबिट से आता है, आपके आसपास के लोग क्या बात करते हैं उससे आता है। तो माइंड बॉडी क्रिकेट का कॉन्सेप्ट यही है कि, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं थैंक्स टू द मीडिया कि मेरे इतने सारे वीडियोज हैं और इतने सारे लिंक्स हैं कि लोग हमको, मुझे सर्च करते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे मैं लोगों को पहले तो मेंटली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कैसे सोचना चाहिए, उसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, वो मैं उनको अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने यू नो इतना टाइम स्पेंड किया है इस फील्ड में, वो मैं बताऊं। तो माइंड बॉडी क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ये है कि देयर आर टू डिफरेंट कोर्सेस, एक है मंडे टू फ्राइडे जिसमें लोग मुझे जुड़ेंगे एंड मैं उनको 5:30 उठाऊंगा और एक 45 मिनट्स का यू नो मेडिटेशन प्लस एक काउंसलिंग सेशन होगा, और फिर जो नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए फिर 12 वीक्स का पूरा प्लान होगा जिसमें क्रिकेट के वीडियोज होंगे, और एवरी वीक आई विल कम ट्वाइस थ्रू सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उनको मैं बताऊंगा बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट एंड आई हैव प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, तो मैं उनको बताऊंगा कि कैसे सोचना है। इसमें एक पॉइंट और है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे कोचेस को मैंने देखा बोलते हैं कि मैंने ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे लगता है मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है, मैं जो मेरे अकेडमी से जो बच्चे खेल रहे हैं उनका नाम तो सबको पता है, लेकिन आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल उन बच्चों के लिए भी जो बड़ा क्रिकेट नहीं खेल पाए, जो स्टेट नहीं खेल पाए, जो यू नो नेशनल नहीं खेल पाए, जो आईपीएल नहीं खेल पाए, बिकॉज इफ आई एम अ कोच, आई एम कोच फॉर एवरीवन। तो मैं अभी हमारे यहाँ पे जो एमसीसी में एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि थिंक लाइक अ चैंपियन, और मैं सारे बच्चों को यही ट्रेनिंग देता हूँ कि आप एम बनाओ, बड़ा एम बनाओ, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी को कैसे आप चैंपियन की तरफ लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट आई थिंक दे आर मोर हैप्पी बीइंग अ एक्टर। तो हम चाहते कुछ और हैं, एक सर्टेन एज तक हमको पता नहीं होता है कि हम किस चीज के लिए बने। दुनिया में बहुत सारे लोग करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो बने किसी और चीज के लिए होते हैं। तो माइंड बॉडी क्रिकेट में मैं क्रिकेट के थ्रू उनको बताऊंगा कि आपके अंदर का रियल पोटेंशियल क्या है, आप उस पोटेंशियल को यूज करो एंड बिकम ए चैंपियन। अभी तक की जो मेरी कोचिंग जर्नी रही है, मैं आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि बहुत सारे लड़के तो क्रिकेट भी खेले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के जब मैं उनको फोन करता हूँ तो पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो कोई किसी बैंक का सीईओ है, कोई एमडी है, कोई यू नो, तो एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो मैं मेंटल ट्रेनिंग दे रहा हूँ प्लेयर्स को, दे आर यूटिलाइजिंग इट एंड दे आर बिकमिंग अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। और अगर आप देखोगे बहुत सारे लड़के यू नो, अगर उनको राइट कोचिंग नहीं मिलती है ना, तो अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो बाद में वो पूरी दुनिया को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, बहुत सारे आसपास के लोगों को कोसते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो मेरे यहाँ पे जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि भाई क्रिकेट खेलो, पुट योर 100% टू पुट योर 200%, बट मोस्ट टाइम्स इट इज नॉट ओनली योर स्किल, आपका माइंड कैसे काम करता है, आपकी बॉडी को कैसे यूटिलाइज करते हो, और यू फील प्राउड, चाहे आप इंडिया के लिए खेलो या कहीं खेलो या नहीं खेलो, यू शुड बी प्राउड दैट यू प्लेड द गेम विद फुल पैशन। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और जैसे सर ने समझाया भी, तो अगर आप लोग में से जो भी इच्छुक हैं वो इसका हिस्सा बिल्कुल बन सकते हैं। अब उन्हें जाते आते आखिरी कुछ सवाल, और यशस्वी के साथ सर ने बताया कि भाई आपकी एक जब प्रैक्टिस करने में आए तो राइवलरी रही और आपने बड़ा उनको परेशान भी किया, तो नेट्स की क्या तैयारी है? वहाँ संजू सैमसन भी होंगे, फेंडरसन आ रहे हैं, जिमी नीशम जिस तरीके के हिटर हैं जो हमने देखा है, बड़ी ओकेजन के खिलाड़ी, अगेन जैसे सर कह रहे हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना, उन बैटल्स को कैसे आप देख रहे हैं और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जी कल से तो सर मेरी तैयारी बिल्कुल फुल प्रोसेस में चलने वाली है, और बिल्कुल मैं जितनी कोशिश करूंगा बैट्समैन को जितने मतलब कम रन लगे मेरे बॉल पे, जितना उनको ब्लॉक कर सकूं मैं, अपने जितने वेरिएशंस हैं सब झोंक दूंगा जितने भी हैं नेट्स में, और जब उनके पास सामने जब बॉल डालने जाऊंगा तो बिल्कुल एक दो मारेंगे, बट हाँ मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं जब ट्रायल में अच्छा करके आया हूँ, सबके सामने अच्छा करके आया हूँ, तो उनके सामने भी अच्छा करूंगा। इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट या खुद में एक कॉन्फिडेंस है कि, और अगर वो मारेंगे तो बिल्कुल मैं उनसे पूछूंगा कि मैं क्या ये ऊपर डाल रहा हूँ, ज्यादा और ऊपर हो रहा है या ज्यादा पीछे हो रहा है, बिल्कुल मैं उनसे बात करूंगा। तो वो लेंथ वाइज का जो वेरिएशन है उनसे मेरे को बिल्कुल पता चलेगा, बिकॉज जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनका रीच थोड़ा आगे तक का होता है, वो गुड लेंथ की बॉल को भी आराम से मार सकते हैं,
तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, वो वहां जाके और अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। जाते थे। बट ज्वाला सर से आखिरी बार यही पूछना चाहूंगा, इस बारी तो आपने अनुनय का नाम जैसे बता रहे हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, रिकमेंड किया था, तो अगली बारी एक और लोकल टैलेंट, चीयर लीडर या फिर किसी भी तरीके का, आप तो रॉयल्स फैमिली ऐसे आपने बोला कि हम हिस्सा मानते हैं, तो मैं तो बड़े लंबे अरसे से हिस्सा मान रहा हूँ, और हल्ला बोलना इस बारी अनुनय आपने भी, सर भी हैं, यशस्वी भी होंगे, बाकी हमारी पूरी टीम है, तो सर हमारा भी थोड़ा ख्याल रखिएगा आप वहाँ पर। एनी टाइम विल डेफिनेटली रिकमेंड योर नेम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और मज़ा आया अनुनय, होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा पूरी बातचीत में, और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, और जरूर एक बारी हल्ला बोल हो जाए, हल्ला जरूर, बोल, अल्लाह बोल, हल्ला अल्लाह बोल, बोल, हल्ला बोल। थैंक यू सर, अल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स अनुनय। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।